हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार में श्रीमती और श्री गजानन ठीक है गजानन एक फैमिली है जिसमें वाइफ हस्बैंड श्रीमती गजानन है और श्री गजानन है ठीक है इसका मतलब यहाँ क्या हो जाता है कि ये जो है एक फैमिली है ठीक इसमें एक फादर है ये फादर हो गया और ये क्या हो गया मदर हो गया और इसके जो है कितने पांच बेटियां हैं एक दो तीन चार पाँच ठीक है ये जो है पांच बेटी है और कह रहा है कि हर बेटी का एक भाई है तो यहीं पर है चूँकि ये जो है पांचों जो है ये एक ही बहन है ठीक है एक ही माता पिता की संतान है और यहाँ पर कह रहा है कि हर बेटी का एक भाई है ठीक है हर बेटी का एक एक भाई तो हम पाँचों का क्या एक एक भाई कर देंगे तो पाँच भाई हो जाएगा ऐसा नहीं कर रहा है ये चूँकि एक है तो इसका जो है एक भाई ही होगा ठीक है अगर एक भाई हो गया यहाँ पर और चूँकि ये आपस में पाँचों बहनें हैं तो प्रत्येक का ये जो है ये ग्रीन वाला जो भाई का सिम्बॉल है वो प्रत्येक का भाई होगा यहाँ ऐसा कर रहा है ना कि हम इसमें पाँच भाई और ऐड कर दें तो पूरे फैमिली में कितने मेंबर हो गए आप देखो पूरे फैमिली में कितने मेम्बर हो गए एक तो फादर हो गया एक मदर हो गया और यहाँ पर तीन चार पाँच छः सात और आठ तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया आठ फैमिली मेम्बर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह है कि सभी जो है सभी एन एलिमेंट ऑफ एन एन किस लिए है एन जो है ये क्या हो गया प्राकृतिक संख्या हो गया नेचुरल नंबर हो गया और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं गिनतिक संख्या बोलते हैं एक दो तीन चार पाँच अप टू द एन तक ठीक है एक से स्टार्ट होने वाले नंबर को प्राकृतिक संख्या और जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर को पूर्ण संख्या लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि एन uh, क्या है एक प्राकृतिक संख्या है इसका मतलब क्या हो गया कि एन का जो हम एक से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखिए एन एक से स्टार्ट है तो मान लेते हैं एन का मिनिमम वैल्यू हो गया एक ठीक है एन जो हो गया मिनिमम वैल्यू एक रख कर जो है इसमें पुट करेंगे अब इसमें क्या कर रहे हैं हम जैसे कि तो देखिए थ्री हो गया एन टू फाइव हो गया अब एन के जगह में वन रखेंगे प्लस वन हो गया प्लस ये क्या हो गया टू टू दावर ऑफ थ्री इंटू वन प्लस वन ये हो गया ठीक है अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू थ्री हो गया और इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा यानी कितना हो गया थ्री इंटू फाइव टू द पावर ऑफ थ्री प्लस हो गया टू इंटू फोर ठीक है तो ये वैल्यू जो हो गया थ्री इंटू पाँच पर क्यों कितना हो गया एक सौ पच्चीस और सोलह ठीक है यानी क्या हो गया कि तीन गुना क्या हो जाता है एक सौ पच्चीस हो गया और प्लस हो गया सोलह तो अगर इसको लेते हैं तीन गुना एक सौ पच्चीस प्लस सोलह करते हैं तो कितना आता है तीन गुना एक सौ पच्चीस प्लस सोलह कितना हो गया ये अगर गुना करते हैं तो कितना होगा तीन सौ पचहत्तर और प्लस सोलह हो गया तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया तीन सौ इक्यानवे हो गया अब तीन सौ इक्यानवे देखिए किससे सत्रह से पूरा पूरी भाग है सत्रह दुनों चौंतीस या इक्यावन तो तीन सौ इक्यानवे जो है सत्रह से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया ये जो पूरा नंबर है ठीक है ये सत्रह से डिविजल होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सत्रह हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है उत्तर पश्चिम को जो है क्या कहा जाता है पश्चिम कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है ठीक तो इसमें हमको पहले डायरेक्शन का जानकारी होना चाहिए डायरेक्शन कैसा होता है तो डायरेक्शन की बात करें तो जैसे ये हो गया ऐसे करके ऐसे ले लिए ठीक है ये हो गया ये हो गया ये भी हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया और ये हो गया ठीक है तो इधर क्या होता है ऊपर साइन में नॉर्थ हो गया नीचे क्या हो गया साउथ हो गया Problem, इधर क्या हो गया ईस्ट हो गया इधर क्या हो गया वेस्ट हो गया अब इसको बीच बीच में क्या हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया ये क्या हो गया साउथ वेस्ट हो गया ये क्या हो गया ये साउथ ईस्ट हो गया ठीक है अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व बना देते हैं तो दक्षिण पूर्व तो यही वाला है ना दक्षिण पूर्व अब पूर्व बना देते हैं इसका मतलब कितना 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूम गए तो सभी डायरेक्शन जो होता है 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेगा तो जिसके बारे में कहेगा हम उसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है में क्या कह रहा है कि उत्तर को कैसे कहा जाएगा उत्तर भी क्या होगा कि कितना पैंतालीस डिग्री एंटी क्लॉक घूम जाएगा उत्तर जो हो गया क्या हो गया पैंतालीस डिग्री एंटी क्लॉक घूम जाएगा जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर क्या है उत्तर क्या हो जाएगा पैंतालीस डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये उत्तर हो गया ठीक है ये जो है क्या हो गया उत्तर हो गया ठीक है ये पैंतालीस डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ जब घूम जाएगा तो कहाँ आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में ये नॉर्थ वेस्ट है ना तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री उत्तर पश्चिम ठीक है अब आगे देखते हैं और आगे क्या है अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि जे जो है पी का पुत्र है ठीक है जे क्या हो गया पी का पुत्र हो गया तो ये देखिए पी का पुत्र हो गया यानी पी ऊपर हो गया नीचे क्या हो जाएगा जे हो जाएगा और जे क्या है मेल है इसलिए यहां पर प्लस लिख दिए उसके बाद क्या कर रहा है कि पी जो है क्योंकि बहन है पी कौन है बहन है किसका बहन है क्यू का बहन है क्यू का जेंडर हमको नहीं दिया है लेकिन जो है पी बहन है यानी कि फीमेल है अब देखिए क्या कह रहा है कि क्यू एम का पुत्र है क्यू जो है एम का पुत्र है ठीक है चूँकि क्यू एम का पुत्र है यानी क्यू के ऊपर में कौन हो जाएगा एम हो जाएगा एम का जेंडर हमको नहीं दिया गया है अब बोल रहा है कि एम पी से किस प्रकार संबंधित है क्यू और चूँकि पितृ पुत्र हो गया तो क्यू भी जेंडर क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा क्यू और पी जो हो गया भाई बहन हो गया जिसमें क्यों भाई हो गया पी क्या हो गया बहन हो गया और इसके जो एम क्या हो गया गार्जन हो गया गार्जन में माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है लेकिन चूंकि इसका जेंडर नहीं दिया गया है यह माता है कि पिता है कहना मुश्किल है माता भी हो सकता है एम और पिता भी हो सकता है इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये माता पिता ऑप्शन नंबर जो फोर में दिया है माता या अथवा पिता वो हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का थर्टी परसेंट खर्च करता है ठीक है चूँकि आप देखिए और उसके बाद बीस हज़ार रुपये और खर्च करता है फिर क्या करता है कि जो बच गया उसका दस परसेंट फिर से खर्च करता है और बच कितना गया उनतीस हज़ार दो सौ पचास चूँकि बचा हुआ हमको जो है नंबर के तौर पर दिया गया है तो हम इसका बचा हुआ वैल्यू पहले निकाल लेते हैं तो हमको करना क्या है कि जैसे थर्टी परसेंट जब खर्च करता है इसका मतलब बचाता कितना है सत्तर परसेंट हो गया ठीक है अब सत्तर परसेंट में से बीस हज़ार रुपया और खर्च करता है तो जो रिमेनिंग हो गया यही वाला हो गया मेरा बच गया अब सेस का तो यानी कि शेष सत्तर परसेंट माइनस बीस हज़ार हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया यही मेरा शेष हो गया अब इसका दस परसेंट जब खर्च कर दिया तो बच के गया नब्बे परसेंट इसका बच गया ठीक है यानी कि सत्तर परसेंट माइनस बीस हज़ार गुने नब्बे परसेंट जो होता है मेरा बच गया और यही वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा उनतीस हज़ार दो सौ पचास रुपये के बराबर हो जाएगा ठीक है अब इसको फिर से हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि जैसे सेवेंटी परसेंट हो गया सेवेंटी परसेंट हो गया ठीक है माइनस बीस हज़ार हो गया ठीक है अब इसका नब्बे परसेंट कितना हो गया उनतीस हज़ार दो सौ पचास रुपये ठीक है अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ सत्तर परसेंट हो गया माइनस बीस हज़ार हो गया ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे कि उनतीस हो गया दो सौ पचास हो गया और इधर नब्बे हो गया और गुने एक सौ हो गया ठीक है जब इसको करते हैं ये कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया नोतिया सत्ताईस नौ दो नौ अट्ठारह नौ पच्चे पैंतालीस बत्तीस हज़ार पाँच सौ रुपया हो गया ठीक है ये कितना हो गया बत्तीस हज़ार पाँच सौ जब इधर से सत्तर परसेंट इधर लेके जाएंगे तो बीस हज़ार मिल के हो जाए कितना पाँच हज़ार बावन हज़ार पाँच सौ रुपया हो जाएगा ठीक जब सत्तर परसेंट मेरा बावन हज़ार पाँच सौ के बराबर है तो सौ परसेंट के लिए क्या करना होगा बावन हज़ार पाँच सौ बटे सत्तर परसेंट गुने एक सौ तो कैंसिल कर दी ये ऊपर में कितना हो गया पैंतीस सॉरी पचहत्तर ठीक है ये हो गया पचहत्तर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो होगा इसका पूरा बैलेंस था उसी से ये खर्च करके उनतीस हज़ार दो सौ पचास रुपया बचाया था ठीक अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए जो है पचास परसेंट अंक आना चाहिए था आना कितना चाहिए था पचास परसेंट ठीक है तभी वो पास होगा यानी कि अब क्या है सौ तो लाया है पचास परसेंट में पास होगा ये क्या हो गया बराबर होना चाहिए सौ वो लाया है लेकिन 50 अंकों से अनुतीर्ण है यानी कि और 50 ले आएगा तो ये पचास परसेंट के बराबर हो जाएगा यानी 50% परसेंट का वैल्यू कितना हो गया 150 डेढ़ सौ तो हमको टोटल अंक निकालना है तो 100% परसेंट निकाल दिए तो कितना 50 दिया डेढ़ सौ तो तीन गुने एक सौ हो जाएगा यहाँ से यानी कि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तीन गुने एक सौ नंबर का तो ये कितना हो गया ऑप्शन नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट कह रहा है कि फोर इस टू सिक्स बहत्तर कैसे हो गया जैसे फोर हो गया सिक्स इसको सेवेंटी टू बनाना है ठीक है अब क्या कीजिए कि इसको जस्ट आप देखिए यहाँ पर चार है इक्यासी है नौ है यानी कि कुछ तो स्क्वायर रूट का होगा ही अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं दो ठीक है और सिक्स पर क्या करते हैं स्क्वायर तो हो गया मेरा बहत्तर इसी तरह मेरा क्या हो गया अब इक्यासी वाला लेते हैं इक्यासी का स्क्वायर रूट कितना हो गया नौ और ये क्या हो गया कि पाँच पर स्क्वायर ले लेते हैं तो हो गया कितना पच्चीस इंटू नौ हो गया दो सौ पच्चीस समझ में आ गया इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और इधर वाला संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो इसी तरह इसका क्या हो जाएगा इसका अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि नाइन हो गया ठीक है नाइन का जो स्क्वायर रूट होता है ये कितना हो गया थ्री हो गया ठीक है ये तो स्क्वायर रूट ले लिए थ्री मान लेते हैं इसके जगह में एक्स होगा ये एक सौ सैंतालीस के बराबर होगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया फोटी नाइन हो गया अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ ठीक है एक्स स्क्वायर तो एक्स का वैल्यू कितना होगा सेवन होगा तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा